दोस्तों आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एमएस वर्ड के एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जो कि हम अक्सर छोड़ देते हैं जब हम एमएस वर्ड सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों इस ऑप्शन का नाम होता है क्रॉस रेफरेंस। जी हाँ दोस्तों, जब हम एमएस वर्ड सीखना शुरू करते हैं तो ज़्यादातर हम ये वाला ऑप्शन छोड़ देते हैं सीखना, ये सोच के कि इस ऑप्शन का क्या काम होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये वाला ऑप्शन बहुत ही काम का ऑप्शन है, जिससे कि आप अपनी पैराग्राफ या वर्ड को क्रॉस रेफरेंस करके और भी अच्छे ढंग से किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसी ऑप्शन के बारे में और आपको बताऊँगा कि आप क्रॉस रेफरेंस से क्या क्या काम कर पाएंगे। ओके दोस्तों, आज मैं आपको समझाता हूँ सेल रेफरेंस के बारे में, जो कि होता है हमारा इंसर्ट टैब में एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए अपना एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और जो आज हम समझने वाले हैं ऑप्शन वो होता है हमारा क्रॉस रेफरेंस। अब ये क्रॉस रेफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है एमएस वर्ड में और आपके लिए काफ़ी काम भी आ सकता है, तो आइए इसको समझते हैं। तो समझने के लिए हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे तीन फाइलें मतलब एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जहाँ पे हमने फर्स्ट पेज में यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है मतलब हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिखा है और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स इंसर्ट करी है इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अब क्रॉस रेफरेंस देखिए नाम से ही पता लग रहा है क्या होता है, कि मतलब किसी चीज़ का रेफरेंस देना। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इनपुट डिवाइसेस लिखे हैं और यहाँ पे हमने लिखा है कीबोर्ड और कीबोर्ड के बारे में यहाँ पे लिखा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस दे दे मतलब एक फिगर का, कि जब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस लिंक के ऊपर क्लिक करे तो वो फिगर के थ्रू और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कीबोर्ड और यहाँ पे हमने कीबोर्ड की यहाँ पे फोटो इंसर्ट करी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर एक हेडिंग देनी होगी क्रॉस रेफरेंस के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर एक हेडिंग दे देते हैं, हम हेडिंग दे देते हैं फिगर का नाम, हमने लिखा है यहाँ पे फिगर 1.1, ठीक है। और उसी ढंग से हम यहाँ पे माउस के ऊपर भी हेडिंग दे देते हैं फिगर 1.2 एंड जो नीचे हमारा थर्ड जो जॉयस्टिक है, ठीक है, हम इसके ऊपर भी यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं जो कि है हमारी फिगर, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं फिगर 1.3। तो इसको हेडिंग में सबसे पहले हमने कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें तीनों हेडिंग यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला टेक्स्ट है जो फिगर 1.1, ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे दूसरी हेडिंग भी सिलेक्ट कर लेनी है और इसी ढंग से हम यहाँ पे थर्ड यहाँ पे जो हमने हेडिंग दी है ये सिलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद हमने यहाँ पे होम टैब में जाना है और इसको जो यहाँ पे ऑप्शन होता है स्टाइल्स में हेडिंग का, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे ये वाली जो तीनों चीज़ें हैं हमारी हेडिंग में कन्वर्ट हो गई है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपने हेडिंग में कन्वर्ट करना ज़रूरी है जो भी आप हेडिंग लिख रहे हैं होम टैब में जाने के बाद। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं हम क्रॉस रेफरेंस। अब जैसे हम सपोज करिए हमने यहाँ पे कीबोर्ड का लिखा है, अब हम चाहते हैं कि जब कोई भी इंडिविजुअल इस वाले जो आर्टिकल को हमारा है ये पढ़े तो ये क्रॉस रेफरेंस हो जाए। तो इसे हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, यू कैन रेफर ओके टू फिगर, ठीक है, यू कैन रेफर टू, बस हमने यहाँ पे लिख लिया यू कैन रेफर टू और उसके बाद हमने यहाँ पे फिगर का नाम देना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्रॉस रेफरेंस। तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका क्रॉस रेफरेंस का, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस की जितनी भी हेडिंग्स हमने लिखी थी यहाँ पे लिखी आ गई हैं, क्योंकि हमने रेफरेंस टाइप यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फिगर 1.1 सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो आपका इंसर्ट रेफरेंस टू है यहाँ पे आपने हेडिंग टेक्स्ट लिखना है और आपने कर देना है यहाँ पे इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद क्लोज कर देना है तो आप देखेंगे यहाँ पे फिगर 1.1 लिखा आ गया। अब सपोज करिए कि आपने पेज नंबर भी देना है और उसका भी क्रॉस रेफरेंस देना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एट, ठीक है, पेज नंबर, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा एट पेज नंबर और यहाँ पे हमने यहाँ पे रेफरेंस देना है। तो रेफरेंस के लिए अगेन हम यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाके क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। तो इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम यहाँ पे रेफरेंस टाइप में हेडिंग ही सिलेक्ट करेंगे, फिगर 1.1 ही सिलेक्ट करा, लेकिन इस बार हम हेडिंग टेक्स्ट की जगह यहाँ पे लिख लेते पेज नंबर और कर लेते यहाँ पे इंसर्ट और कर देते क्लोज। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट आ गया ऑटोमेटिकली। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो हमने कीबोर्ड के अंदर दो रेफरेंस इंसर्ट कर लिए हैं।
तो इससे क्या होगा कि जब कोई भी इंडिविजुअल फिगर 1.1 के ऊपर क्लिक करेगा, मतलब कंट्रोल प्रेस करके जो भी इस पे क्लिक करेगा, तो आप देख सकते हैं आपका कर्सर यहाँ पे हैंड में बदल जाएगा। तो सिंपली हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये फिगर 1.1 पे ऑटोमेटिकली चला गया। तो हमने देख सकते हैं आप, तो वैसे ही उसी ढंग से दोस्तों यहाँ पे पेज नंबर 2 है, तो जैसे ही हम पेज नंबर 2 के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे फिगर 1.1 के ऊपर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो रहा है। तो वैसे दोस्तों फिगर 1.2, 1.3 हम इसके भी क्रॉस रेफरेंस बहुत ही इजीली दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा दूँ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट, ओके, इंसर्ट में गए, क्रॉस रेफरेंस में गए, और उसके बाद अब हमने सेलेक्ट करना है फिगर 1.2, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना हेडिंग टेक्स्ट, मतलब इंसर्ट रेफरेंस 2, और इंसर्ट करा और इसके बाद क्लोज कर दिया, तो आप देखेंगे फिगर 1.2 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। और जैसे ही हम इस पे ब्रैकेट क्लोज करके अब हम यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके एंटर करेंगे, तो फिगर 1.2 पे यहाँ पे हम रीडायरेक्ट हो गए। तो वैसे पेज नंबर में भी हम क्रॉस रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, सिमिलर वे में आपने जॉयस्टिक का भी यहाँ पे कर लेना है। तो दोस्तों ये होता है क्रॉस रेफरेंस, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह पर रेफरेंस देना ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक तरह से ये हाइपरलिंक ही होता है, लेकिन हाइपरलिंक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है दोस्तों, उसकी एक मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप हाइपरलिंक के बारे में समझना चाहते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस आई होप आपको समझ आ गया हो इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही में अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स तो आप हमारे सेकंड चैनल लर्न विद डॉक्टर दीप्ति पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।